तो अगर आप YouTube पे कॉमेडी फनी वीडियो बनाते हो और आप अपने थंबनेल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है मुकेश जी, इनका चैनल यहाँ पे मैंने ओपन करा है और इनका जो है थंबनेल्स के बारे में हम जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी थंबनेल बनाया है काफ़ी जो है अच्छे है, बट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो थंबनेल का जो है कंपोजिटिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये वाले थंबनेल पे जो है काफ़ी स्पेस बच रही है और जो कैरेक्टर है वो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, तो जो भी व्यूअर्स है स्क्रॉल कर रहे हैं उनको जो है उनका थंबनेल सही से समझ में नहीं आएगा तो वो क्लिक नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो कम रहे और जो भी आपके कैरेक्टर है वो अच्छे से दिखे, उस तरह से आपको थंबनेल डेवलप करना चाहिए। दूसरा चीज़ की लाइट और डार्क का जो है कलर वेरिएशन इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस करा है। अभी मैं थोड़ा कंपेयर करके बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मिस करा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पॉपुलर चैनल है इसके साथ थोड़ा मैं उनको जो है कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से उन्होंने जो है एक रेफरेंस लिया है अपने चैनल को ग्रो करने का, क्योंकि ये चैनल काफ़ी पॉपुलर है। तो इस टाइप के वीडियोस व्यूअर्स को दिखते हैं तो वो तुरंत क्लिक करके देखते हैं, तो सिमिलर ऑडियंस का जो है बेनिफिट मिले, तो इसलिए जो है यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इनके आप थंबनेल देखो तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है और जो भी स्टोरी है वो उनके थंबनेल से जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो पा रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे लड़ रहे मोबाइल देखते हुए, ठीक है, यहाँ पे बेड पे सोते हुए जो कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हो रही है, या फिर यहाँ पे पटाखों के साथ जो है कुछ लड़ाई हो रही है, रॉकेट वगैरह दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे बेड पे फायर होते हुए दिखाया गया, तो वो स्टोरी जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो रही है। इस केस में क्या हो रहा है कि कुछ बाथरूम में कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो तो बेड के ऊपर जो है कुछ मतलब क्लियरली जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या फाइट है, क्या प्रॉब्लम के कारण जो है ये सिचुएशन, कॉमेडी फनी जो भी सिचुएशन है वो किस कारण से हो रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कारण है कि आपके व्यूज जो है थोड़े से कम आ रहे हैं। मेहनत करो अपनी जो भी स्टोरी टेलिंग है उसके ऊपर, थंबनेल जैसे कि ये वाला थंबनेल का जो है स्टोरी बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे जो है वाइफ जो है अपने हस्बैंड को जो है किसी चीज से जो है मारे, यहाँ पर भी ये है कि कुछ मसाल है या क्या है, झाड़ू है शायद, झाड़ू से मार रही है, तो वो अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कलर वेरिएशन का जो मैं बोल रहा था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी लाल साड़ी जो है अच्छे से थंबनेल में दिख रही है, इनका जो है डार्क बनियान अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, बाकी का जो बैकग्राउंड है वो जैसे कि यहाँ फ्लोरिंग है तो वो ग्रे कलर की है, ठीक है, बेडशीट है तो वो लाइट कलर यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है लाइट और डार्क का जो है कॉम्बिनेशन बढ़िया से हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे फ्लोरिंग और जो बाकी के इस बॉडी का कलर है वो ज़्यादातर सिमिलर हो रहा है और जो चेक्स है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लेन कलर का अगर कॉस्ट्यूम कपड़े होते तो वो अच्छे से वो समझ में आते, अच्छे से दिख पाते। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे लड़के का स्किन टोन है वो काफ़ी डार्क यहाँ पे दिखाया हुआ है, काला सा दिखाया हुआ है, हो सके तो उसको थोड़ा स्किन टोन प्रॉपर कर ले। जैसे कि ये वाला है तो इसकी बेडशीट और कपड़े के कलर जो है काफ़ी मैच हो रहे, और यहाँ पे जो है बेडशीट और जो लड़के का स्किन टोन है वो भी जो है सिमिलर डार्क टोन दिख रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो थंबनेल में चीज़ें जो है फर्स्ट इम्प्रेशन में जो अलग अलग सारी चीज़ें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है। फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंपेरिजन करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने कंपोजिशन का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करा और एक आपको रिव्यू देना चाहता हूँ। जैसे कि टॉयलेट वाला यही टॉपिक है, ठीक है, तो ये चैनल ने जो ये थंबनेल बनाया है उसके हिसाब से आप अपना थंबनेल जो है कंपेयर करो। यहाँ पे टॉयलेट का ही दोनों का जो है टॉपिक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना जो है अच्छे से जो है चीज़ें विजिबल हो रही है, कि कोई भी एक स्टोरी जो है टॉयलेट के अंदर हो रही है, कुछ कॉमेडी वहाँ पे हो रहा है, आपके में ही हो रहा है। एक तो इतना दूर से है सीन और क्या कॉमेडी हो रही है, और एक टॉयलेट में जेंट्स लेडीज सब जो है बच्चों के साथ मतलब क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा कंपोजिशन मैंने करा है वही चीज़ का, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस को निकाल दिया है थोड़ा सा, इसको जो मैं कलर करेक्ट करा है, बट फ्लोर को भी मैंने आप देख सकते हो चेंज करा है, थोड़ी सी लाइट करी है, जो यहाँ पे टोन था जो सब कुछ सिमिलर हो रहा है, बट फिर भी जो है कॉस्ट्यूम का जो कपड़ों का कलर है उसको जरूर आप इम्प्रूव करें। ये जो टेक्सचर आपने डाला है उसको निकाल दे और प्लेन कलर रखें। आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क कलर जो है अच्छे से, डार्क स्किन टोन और जो कपड़ों का कलर है वो कभी भी मैच नहीं होना चाहिए, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कपड़ों का कलर और जो स्किन टोन है और कभी कभार जो है फ्लोरिंग के साथ भी मैच हो जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोरिंग के साथ भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है।
तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप और इम्प्रूव करें, और जितना हो सके उतने जो है क्लोजअप सीन लेके जो है अपने थंबनेल को बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना नज़दीक से पूरा जो है बच्चा दिख रहा है और फेसेस जो है काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत लॉन्ग शॉट है, ठीक है, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण भी जो है आपके व्यूवर्स जो है आपकी स्टोरी को नहीं समझ पाते और उसमें जो है ज़्यादा क्लिक नहीं करते। ये वाला जो है थंबनेल मुझे कुछ अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं है इसमें, और अच्छे से क्लियरली जो है स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है कि भाई रिक्शा में जो है ये लोग गए हैं और कुछ यहाँ पे कॉमेडी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये वाले जो है थंबनेल मुझे बेस्ट लगे, जो पहले के आपने अपलोड करे थे उसमें जो है काफ़ी जो है आपने ध्यान दिया है, वहाँ पे कंपोजिशन सही है, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन देखो, ये वाला जो है इसके कपड़े काफ़ी सही है, ठीक है, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपने ऑरेंज के साथ जो है पर्पल लिया हुआ है, तो वो डिफरेंस दोनों में दिख रहा है और अच्छे से वो एक्सप्लेन भी हो रहा है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। टेक्स्ट के कलर जो है चलो ठीक है, वो आपने रेफरेंस के तौर पे सिमिलर रखे हुए, बट ट्राई करो एक थोड़ा अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने का, ठीक है। बट अभी के टाइम में चेंज मत करना कुछ कलर, फॉन्ट कलर में वो सब चल रहा है सिमिलर चलने दो। अभी एक काम कर सकते हो, मैंने जैसे बताया कि इनके कपड़ों के कलर आप जो है डार्क लाइट के कॉम्बिनेशन में रखिए, हो सके उतने प्लेन रखिए, टेक्सचर को मत डालिए, और जहाँ पर भी फ्लोरिंग यूज रहा कर रहे हो वहाँ पे उसको जो है ग्रे या फिर मतलब वो फ्लोरिंग ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। आप देख सकते हो ये थंबनेल में पहला ध्यान हमारा नीचे की फ्लोरिंग की ओर खींचा जा रहा है, क्योंकि वो एकदम लाइट है और बाकी ब्लू कलर के वॉल है, तो डार्क लाइट में जो है ये दो चीज़ें ही बाहर आ रही है, जो कैरेक्टर बाहर आना चाहिए वो उतने अच्छे से दिख नहीं रही है, जिसके कारण भी जो है आपके क्लिक्स थोड़े से कम आ रहे हैं। अगर इसको आप इम्प्रूव कर लोगे तो आपके थंबनेल जो है काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर के फेस और जो कैरेक्टर का जो भी एक्शन है, जो भी पोज है, वो क्या स्टोरी एक्सप्लेन करना चाह रही है वो समझ में आना चाहिए। तो ये जो थंबनेल आपने भेजा है इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी समझ में नहीं आई। एक्चुअल में मैंने वीडियो देखा तो वीडियो की स्टोरी ये है कि बच्चा जो है मोबाइल से खेल रहा है और टीचर का जो है कॉल आता है कि आपका बच्चा जो है वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से शायद ये उसके पापा जो है उसको पीट रहे हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है थंबनेल में, क्या दिख रहा है, ये दोनों क्या चीज़ भी इसे पोज कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लस में जो है ये इसको मार रहा है, अब ये जो है पिताजी गिर रहे हैं किसी कारण के वजह से, और मोबाइल ये बच्चा देख रहा है तो मोबाइल का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। तो स्टोरी जो आपकी थंबनेल से एक्सप्लेन होनी चाहिए वो सही से नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से ये थंबनेल में ये होना चाहिए था कि जो बच्चा है वो मोबाइल से खेल रहा हो ऐसा दिखे, और पीछे से जो है फादर उसको पीटने वाले हो, कुछ इस टाइप का थंबनेल रख देते, और पीछे आप बस इतना ही काफ़ी था कि बच्चा गेम खेल रहा है और पीछे जो पापा उसको पीटने आ रहे हैं या फिर पीट रहे हैं, ठीक है, ऐसा इतना रख देते तो देखने वालों को जो है समझ में आ जाता। प्लस में जो है कि जब उनको रिलेटेड लगेगा कि भाई मोबाइल खेल रहा है और पीट रहे हैं तो वो स्टोरी समझ में आने लोग क्लिक करते हैं। इसमें क्या होगा कि लोगों को क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और किस चीज़ के लिए ये आपने वीडियो बनाया है, ठीक है, और ये दो कैरेक्टर तो काफ़ी जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रखे हुए हैं। अगर इसको सिर्फ इतना सा हम क्रॉप कर दे, ठीक है, इतना सा ही थंबनेल रखेंगे और थोड़ा स्पेस रहेगा वहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, तो आई थिंक जो ज़्यादा ये दोनों कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है ये थंबनेल में। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें और अपने थंबनेल को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया कि कलर्स स्कीम को थोड़ा समझे और ब्लैंक स्पेस जो है ज़्यादा ना रहने दे। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस कहाँ पे, यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, और ये आपने फॉन्ट ऊपर लिखा है तो इतना पार्ट भी वैसे ब्लैंक स्पेस के तौर पे, तो क्या होगा कि फेशियल एक्सप्रेशन एक तो समझ में नहीं आता है ठीक से, क्योंकि दूर से बहुत शॉर्ट है, और ये थंबनेल तो हमने बड़ी स्क्रीन में देखा, एक्चुअल में आपका थंबनेल जो है कितनी सिर्फ छोटी सी साइज में आता है, कुछ इतनी साइज में आपका थंबनेल दिखता है। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं फटाफट इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कहाँ पे जो भी आपका बेस्ट थंबनेल होगा वहाँ पे आपकी जो है आँखें टिकेगी, बाकी के थंबनेल ऊपर से फटाफट चले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वैसे आप देखिए जो टॉप क्रिएटर्स है उनके जो भी आप थंबनेल देखो, जैसे स्क्रॉल करोगे तो हर एक थंबनेल में आपकी जो है आँखें रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है, कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी बढ़िया रखा हुआ है, एक्सट्रीम लेवल के जो है जैसे फायर हो रहा है तो ऐसे टॉपिक दिखाए जाते हैं कि मान लो आपका जो है ये मोबाइल देख रहे इसलिए पीट रहे हैं, तो मान लो कि
उसके पापा जो है बेट लेके उसको पीछे से मारने जा रहे हो, और बेट का जो है थोड़ा बेट को बड़ा करके दिखाई है, ठीक है। तो लोगों का अटेंशन वहां पे जाता है और लोग क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो इतना जरूर आप इम्प्रूवमेंट कीजिए अपनी चैनल को ग्रो करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और बहुत ही जल्द इनके साथ हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं। काफी मेहनत करी हुई इन्होंने और ऑनलाइन ही सारा चीज सीखे, एनिमेशन का कुछ भी नहीं जानते थे, आज जो है एनिमेशन वीडियो बनाने लगे हमारे कोर्सेज के मदद से। तो अगर आप मुकेश जी की तरह एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब शेयर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3D एनिमेशन ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर सिखाते हैं। एनिमेशन वीएफएक्स सीखने के लिए एनिमेफएक्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय। Thank you.